हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको समझिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो जो होता है वो इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो इक्वल टू आप यूज करते हो इसी को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो काम करता है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, मींस इस तरह से। जैसे मान लो ये ऑपरेटर का कब यूज करेंगे, जब वेरिएबल वैल्यू स्टोर करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा int a, a लिखा, अब a में वैल्यू स्टोर करना है तो a इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 10। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू जो है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपका कौन सा ऑपरेटर हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट में स्टोर कर रहा है, मींस इनिशियलाइज कर रहा है। तो हम लोग इसको कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। मींस ये जो ऑपरेटर है वो कभी भी काम करेगा तो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट में स्टोर करेगा जो भी वेरिएबल हो। आपको आप सी प्लस प्लस में यही इसी तरह से यूज करोगे असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग मैथ्स में इसको इस तरह से भी लिख देते हैं 10 इक्वल टू a, तो ये रॉन्ग है। C++ में मैथ्स में सही है लेकिन C++ में ये काम नहीं करेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा वैल्यू स्टोर करेगा राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में टू द वेरिएबल। किसमें स्टोर करेगा, वेरिएबल में स्टोर करेगा। और ये जो है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। इस तरह का एक्सप्रेशन आप C++ में यूज नहीं करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या सीखे कि इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को असाइन करता है, इनिशियलाइज करता है राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में टू द वेरिएबल। किसमें स्टोर करता है, वेरिएबल में स्टोर करता है वैल्यू। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, इक्वल टू को कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल टू एज नॉन एज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन में दिया हुआ रहता है असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नन ऑफ दीज। किसमें टिक करोगा, असाइनमेंट में। इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका कुछ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है कुछ जो आपको यूज करना होगा। जैसे इस तरह से नंबर वन प्लस इक्वल टू, इस ऑपरेटर का कैसे यूज करें। फॉर एग्जांपल आप ले लो, तो मान लो आपके पास लिखा हुआ है int, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है a इक्वल टू a प्लस 10। समझ में आ रहा है, सेमी कॉलन। अब आपको आप इस एक्सप्रेशन को समझ रहे हो कि a के साथ में हम लोग 10 ऐड कर रहे हैं, तो इसी को आप शॉर्ट में इस तरह से लिखो a इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है। मान लो कि आपका a का वैल्यू 5 है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो a के जगह पे ये पुट हो जाएगा, a वाला वैल्यू 5 प्लस 10, ये पुट हो जाएगा a इक्वल टू कितना आएगा, 15। इस तरह से जो आप लिखते हो इसी को आप C++ में शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो a प्लस इक्वल टू 10, तो इसका भी रिजल्ट 15 आएगा। मींस इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। इस तरह का लिखा हुआ रहेगा तो आपको ये समझना है कि हम लोग a में कितना ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, a में कितना ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह से आपको यूज करना होगा। क्लियर है कांसेप्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से माइनस का होगा, जैसे लिखा हुआ a इक्वल टू a माइनस 10, ये लिखा हुआ, तो आप कैसे लिखोगे इसको, a माइनस इक्वल टू 10, मतलब a में हम लोग कितना माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करते समय आप ये ध्यान दोगे कि दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, जो लेफ्ट साइड में है वो भी सेम और राइट में है वो भी सेम। मतलब यहाँ a है, a है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ a रहे और यहाँ b रहे तो आप शॉर्ट हैंड यूज कर दो तो काम नहीं करेगा। सेम वेरिएबल के केस में काम करेगा, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। इस तरह से हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं शॉर्ट हैंड। इस तरह से यूज करोगे तो आपका गलत हो जाएगा ना, बी फिर कहाँ गया, बी तो लिखे ही। तो आप ये ध्यान दोगे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हम लोग तभी करेंगे जब वेरिएबल सेम होगा दोनों जगह पे, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे। तो आप इंटू का कर सकते हो, अगर इंटू रहा तो a इक्वल टू
a इक्वल टू a इंटू टेन ऐसा रहा तो कैसे लिखोगे a इंटू इक्वल टू टेन इस तरह से लिखेंगे। तो आप सारे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर। इसको आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स जो है वो कॉमा, देखोगे अदर स्पेशल ऑपरेटर्स। अदर स्पेशल ऑपरेटर्स में जो है वो हम लोग कॉमा को बोलते हैं। अदर स्पेशल ऑपरेटर्स, कॉमा हो गया आपका, सेमी कॉलन हो गया, सेमी कॉलन, ठीक है, कॉलन, ये सब को हम लोग बोलते हैं अदर स्पेशल ऑपरेटर्स। और भी इसमें आता है लेकिन ये फेमस ऑपरेटर है, पॉपुलर है, ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम लोग ये तीनों को क्या बोलेंगे, स्पेशल, अदर स्पेशल ऑपरेटर्स। समझ में आया। अगला जो ऑपरेटर है वो हम लोग देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर। देखिए टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। और ये जो ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, वो दो सिंबल का कंबिनेशन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क और सेकेंड कॉलन। क्वेश्चन मार्क आप अच्छे से दे दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क और कॉलन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो पहला सिंबल होगा वो होगा क्वेश्चन मार्क और दूसरा सिंबल जो होगा वो होगा कॉलन। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंबल्स, फर्स्ट सिंबल विल बी क्वेश्चन मार्क एंड सेकेंड सिंबल विल बी कॉलन। क्लियर है कांसेप्ट? अब इसके सिंटैक्स को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स। सिंटैक्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो भी प्रोग्राम बनता है वो सिंटैक्स से ही बनता है। तो आप देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेर, वेर मींस वेरिएबल, इक्वल टू, समझो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेस्ट कंडीशन। क्या हो जाएगा? टेस्ट कंडीशन, जो भी आप कंडीशन डालोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क आप दे लोगे खुद से सैंपल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और इसमें रहेगा आपका ट्रू ब्लॉक, कॉलन, फॉल्स ब्लॉक। अब लास्ट में रहेगा सेमी कॉलन। ये आपका हुआ मेन सिंटैक्स। अब इसके आप एग्जीक्यूशन फ्लो को समझिएगा कि हम लोग किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। देखिए आपको बताया है कि जब इक्वल टू ऑपरेटर होगा तो हम लोग को राइट साइड से एग्जीक्यूशन होगा। तो देखो जब भी होगा तो कंडीशन चेक किया जाएगा। टेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप जो भी कंडीशन डालोगे उसका दो रिजल्ट हो सकता है, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है, दो में कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता कभी भी नहीं। क्या बोले फिर से समझिएगा, टेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, दो डिसीजन लेना। समझ में आ रहा है? तो आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सही हुआ तो ट्रू हो गया और गलत हुआ तो फॉल्स हो। तो आप समझो यहाँ पे अगर आप टेस्ट कंडीशन डाले हो, अगर ये आपका दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा, दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा तो आपका रन करेगा ट्रू ब्लॉक। किस केस में? ट्रू के केस में। समझ में आ रहा है? और जैसे ये काम करेगा इसके अंदर में जो भी वैल्यू होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? वैल्यू स्टोर कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ ये कोई जरूरी है कि ये कंडीशन सही हो, ये गलत भी हो सकता है। अगर ये गलत हुआ मीन्स फॉल्स हुआ तो आपका काम करेगा फॉल्स ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक काम करेगा? फॉल्स ब्लॉक। और अगर फॉल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, तो इसका वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ब्लॉक में कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करेगा। समझ में आ रहा है? काम करेगा। क्लियर है? दोनों एक साथ काम नहीं करेगा। अगर ये आपका कंडीशन सही होगा तो ट्रू ब्लॉक वाला वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, अगर ये गलत हुआ तो फॉल्स ब्लॉक वाला वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एक आप एग्जांपल इसका समझो, मान लो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, दिया हुआ इंट
a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 6, क्लियर है? क्वेश्चन मार्क 5 इंटू 2 कॉलन 6 प्लस 4 ये दिया हुआ है, समझ में आया? तो देखो ये क्या करेगा ना, पहले कंडीशन को चेक करेगा कि 5 बड़ा है 6 से, 5 ग्रेटर देन 6, 5 बड़ा है 6 से, बड़ा है नहीं बड़ा है, ये कंडीशन क्या होगा? फॉल्स। जैसे फॉल्स होगा तो कौन सा ब्लॉक काम करेगा? फॉल्स वाला ब्लॉक काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, समझ में आ रहा है? और अगर ये फिर क्या करेगा? सॉल्व करेगा, मतलब 6 और 4 को ऐड करेगा, कितना है 10, ये 10 को स्टोर कर देगा किसमें? a में, तो a इक्वल टू कितना रिजल्ट आ जाएगा? 10 आ। अगर ये कंडीशन सही होता ये काम करता तो 5 × 10, फिर a में क्या आता? 10 आता, अलग अलग भी आ सकता है। तो हम लोग क्या सीखे कि टर्नरी ऑपरेटर में अगर आपका दिया हुआ कंडीशन सही होगा, इफ अ गिवन कंडीशन विल बी ट्रू, देन ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स ब्लॉक, अदरवाइज कौन सा ब्लॉक काम करेगा? आपका फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, समझ में आया? तो ये सब है कॉन्सेप्ट, ये है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, आया समझ में? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग से बन जाना चाहिए, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्रू ब्लॉक है और ये फॉल्स ब्लॉक है, ये सही होगा तो इसका वाला वैल्यू स्टोर करेंगे ये में, और अगर ये गलत हुआ तो फॉल्स वाला वैल्यू ए में स्टोर, इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब आप समझोगे इसमें एक और ऑपरेटर हम लोग देखेंगे, टर्नरी तो हो गया आपका, एक अलग है ये ऑपरेटर से और ये बहुत ही इजी है, ठीक है? तो आप इसको देखो, कास्केडिंग, ठीक है, कास्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स, आई स्लाइस ओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, समझिए कास्केडिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास में इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर दो होते हैं, जिसको आपको बताए थे उसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं और इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। देखो जब आप सीओट लिखते हो, सीओट तो ये डबल लेस देन को यूज करते हो, ये क्यों यूज किया जाता है? आउटपुट के लिए, तो हम लोग इसको आउटपुट ऑपरेटर भी बोलते हैं, आउटपुट ऑपरेटर। अब आप बोलोगे सर वहां तो इंसर्शन बताए थे, तो इसी आउटपुट को हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, समझ में आया? नेक्स्ट, इनपुट के लिए सी जब आप यूज करते हो, डबल ग्रेटर देन यूज करते हो, ये क्यों यूज किया जाता है? इनपुट करने के लिए पहले, तो इसी को हम लोग इनपुट ऑपरेटर कहते हैं, कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? इनपुट ऑपरेटर। और इसी ऑपरेटर को एक और नाम दिया गया है जल्दी बोलते हैं क्या? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। कंफ्यूजन नहीं होगा, इनपुट करेंगे जो ऑपरेटर यूज करके उसको इनपुट ऑपरेटर कहेंगे और इसको आउटपुट ऑपरेटर कहेंगे। अब समझिएगा कास्केडिंग का मतलब क्या होता है। देखो अगर सिंगल स्टेटमेंट में जैसे आप इस तरह से यूज किए इंट ए बी सी, समझ में आ रहा है? अब तीनों में वैल्यू डालें तो सी ए बी सी, देखिए तो तीन बार यूज किए इनपुट ऑपरेटर का, 1 2 3 यूज किए। तो अगर आप कोई भी ऑपरेटर इनपुट हो या आउटपुट हो उसको सिंगल स्टेटमेंट में अगर आप मल्टीपल यूज कर देते हो, मतलब एक से ज्यादा बार यूज कर देते हो, तो वही कहलाता है कास्केडिंग। देखो अब मान लो आपको ए बी ए का वैल्यू प्रिंट करवाना है, ठीक है, बैक स्लैश टी और सी ये यूज कर, देखो तो एक ही लाइन में यूज हुआ है आउटपुट ऑपरेटर, इसमें भी आउटपुट ऑपरेटर, मींस एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट में अगर आप इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर को बहुत बार यूज कर देते हो, मींस एक से ज्यादा बार यूज कर देते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, सिंगल स्टेटमेंट में यूज होगा। तो हम लोग इसमें क्या सीखे? ये सीखे कि मल्टीपल यूज होगा किसका? इनपुट आउटपुट ऑपरेटर का, द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज नोन एज कास्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। सिंगल स्टेटमेंट में जब हम लोग इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर का मल्टीपल यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स, समझ में आया? तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ये देखिएगा टेबल बनाया हुआ है,
प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जब आप बोर्मास रूल यूज करते हो कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या होता है कि वहां पे आपको क्या देखना पड़ता है, बोर्मास रूल कि पहले हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें। उसी तरह से हम लोग ऑपरेटर बहुत सारा पढ़े हुए हैं तो देखेंगे कि सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका होता है, मींस एक एक्सप्रेशन में अगर सारा ऑपरेटर यूज कर दे तो हम लोग किसका यूज सबसे पहले करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ देखिए यहाँ पे रो वाइज लिखा हुआ, ये फर्स्ट रो होगा, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से लिखा हुआ। जो ऑपरेटर सिंगल रो में लिखा हुआ है उसका सेम प्रेसिडेंस होगा, उस ऑपरेटर को आप पहले किसी को भी सॉल्व करो आपका रिजल्ट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सेम रिजल्ट आएगा। समझ में आया? तो देखो ये फर्स्ट रो में प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट और माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट, ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर होता है। कोई भी एक्सप्रेशन में यूज किया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है क्या, तो सबसे पहले हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे और सॉल्व करेंगे, क्लियर है। उसके बाद सेकंड रो में आता है प्लस प्लस माइनस माइनस, ये होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का दो रिप्रेजेंटेशन बताए थे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तो फर्स्ट में हो गया आपका पोस्टफिक्स, सेकंड रो में जो है आपका प्रीफिक्स का आता है नाम या फिर नॉट ऑपरेटर होगा, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, यूनरी माइनस और यूनरी प्लस, ठीक है, यूनरी माइनस और यूनरी प्लस, ये सबका सेम प्रेसिडेंस होता है। मींस अगर एक एक्सप्रेशन में इतने सारे ऑपरेटर्स यूज किए हुए तो आप किसी को भी सॉल्व करो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला है इनटू, इनटू मींस मल्टीप्लाई करना, स्टार से मल्टीप्लिकेशन होता है कंप्यूटर में, डिवीजन और मोडुलो डिवीजन, ठीक है, ये तीनों का सेम प्रेसिडेंस होता है कोई भी एक्सप्रेशन में यूज हुआ, ये किसी को भी सॉल्व करो। देखो अगर आप समझना चाहते हो तो इस तरह से, जैसे मान लो 5 × 2, ठीक है, 5 × 5, ठीक है, डिवाइड 5 मोडुलो डिवीजन 2, ऐसा यूज किया मत, आप किसी को भी पहले जैसे मान लो इनटू कर दिया तो 25 आ जाएगा, 5 मोडुलो 2। अब इसको आप डिवाइड कर दो कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स, तो इसका 5 है, अब 2 से डिवाइड करो तो इसका कितना आएगा, 2, ये 1 आ जाएगा रिजल्ट। तो आप किसी भी तरह से काम करो इसका रिजल्ट 1 आने वाला है। तो ये सबका सेम प्रेसिडेंस होता है, इसका मतलब ये होता है, तो ये सेम हो गया। उसके बाद प्लस माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सबका सेम प्रेसिडेंस होता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू का सेम प्रेसिडेंस। उसके बाद हम लोग पहले एंड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद और को, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर जो आपको अभी बताए, टर्नरी ऑपरेटर बताए थे, क्वेश्चन मार्क और कॉलम, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, इक्वल टू का लास्ट में होता है कॉमा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है, ये पीबीआई है कि सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस, सबसे लो प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर का होता है, तो कॉमा का होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। देखो हाईएस्ट मतलब ऊपर में जो है उसको पहले हम लोग सॉल्व करें, लोएस्ट मतलब जिसका सबसे कम वैल्यू, जो सबसे पीछे सॉल्व होता है, तो वो आता है आपका कॉमा ऑपरेटर। समझ में ऑपरेटर खत्म हो गया, ऑपरेटर में इतना सारा पढ़ना था, एक आप माइंड में ये रखोगे ऑपरेटर से आपके एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन रहेगा ऑपरेटर से 100% जो सॉल्व करने के लिए बताया। तो ऑब्जेक्टिव सैंपल पूछता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का सैंपल बताइए, प्लस माइनस इनटू डिवीजन मोडुलो डिवीजन, ये होता है। या फिर पूछेगा रिलेशनल ऑपरेटर का सेट बताइए, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये आपको याद रखना होगा। पूछेगा लॉजिकल ऑपरेटर का सेट बताइए, तो एंड 2 टाइम्स एंड परसेंट यूज करेंगे, डबल पाइपलाइन होता है, नॉट होता है, ये सब तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना होगा। और जो क्वेश्चन बताया होगा इसमें से जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा वो सबसे ज्यादा आने का चांसेस रहता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से, तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।